जानिए कैसे दिल्ली की टीम 99 रन पर ढेर, एक तरफा मुकाबले में चेन्नई ने 80 रन से हराया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूं आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप डेली नई और ताज़ा खबरों को देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल दैनिक समाचार को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, इससे आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। चेन्नई और दिल्ली के बीच बुधवार को इंडियन टी20 लीग का 50वां मुकाबला खेला गया। इसमें सुरेश रैना 59 रन और धोनी ने 44 रन की शानदार पारियों की बदौलत चेन्नई ने बुधवार को इंडियन टी20 लीग के 50वें मुकाबले में दिल्ली को एक तरफा मुकाबले में 80 रन से हरा दिया। चेन्नई के 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 99 रन पर ही ढेर हो गई। दिल्ली की तरफ से जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए, वहीं चेन्नई की तरफ से इमरान ताहिर ने 4 और हरभजन ने 3 विकेट लिए। तो अब बात करते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी पर। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बेहद खराब रही। चेन्नई के तेज गेंदबाज दीपक चहार ने पहली ही ओवर में मेहमान टीम को बड़ा झटका दिया। दीपक ने पृथ्वी को सुरेश रैना के हाथों कैच करवाया। इस कैच के साथ ही रैना ने टी20 लीग के इतिहास का अपना 100वां कैच पूरा कर लिया। धवन और श्रेयस ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन हरभजन के 6ठे ओवर की 3री गेंद पर धवन क्लीन बोल्ड हो गए। आउट होने से पहले धवन ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। दिल्ली को धवन के रूप में दूसरा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत एक बार फिर से फ्लॉप रहे। इमरान ताहिर की गेंद पर वो गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट हो गए। पंत को ताहिर ने 7वें ओवर की 2री गेंद पर ब्रावो के हाथों कैच करवाया। ऋषभ पंत 3 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाए। पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कॉलिन इनग्राम भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और जडेजा की गेंद पर आउट हो गए। जडेजा ने 8वें ओवर की 4थी गेंद पर इन्हें आउट किया। इनग्राम ने 5 गेंदें खेलकर 1 रन बनाए। अब बात करते हैं चेन्नई की बल्लेबाजी पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने सुरेश रैना के 59 रन और धोनी के 44 रनों की मदद से दिल्ली को जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से सुरेश रैना ने सबसे अधिक 59 रन बनाए, तो वहीं दिल्ली की तरफ से जगदीश सुचित ने 2 और अक्षर मोरिस ने 1-1 विकेट लिए। चेन्नई की तरफ से आखिरी के ओवर में धोनी ने मात्र 22 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 44 रन बनाए। इससे पहले चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 4 रन के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सेन वाटसन 0 रन पर ही विकेट गंवा दिया। सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे सुचित ने 4थे ओवर की 2री गेंद पर सेठ वाटसन को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाया। चेन्नई की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और उसने पावर प्ले में मात्र 27 रन बनाए। दूसरे विकेट के लिए 83 रनों की मजबूत साझेदारी करने के बाद डुप्लेसिस 39 रन पर आउट हुए। रैना और डुप्लेसिस की साझेदारी को अक्षर पटेल ने तोड़ा। अक्षर ने 14वें ओवर की 3री गेंद पर डुप्लेसिस को शिखर धवन के हाथों कैच करवाया। अच्छे फॉर्म में दिख रहे सुरेश रैना ने अर्धशतक के बाद सुचित की गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुचित ने रैना को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवाया। आउट होने से पहले रैना ने महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 गेंदों में 59 रन बनाए। रैना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा ने तेजी से रन बटोरे। जडेजा ने आउट होने से पहले मात्र 10 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाए। जडेजा को 19वें ओवर की 3री गेंद पर मोरिस ने आउट किया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
तो ऐसे ही वीडियो को डेली देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल दैनिक समाचार को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।